750 सालों के बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसको लेकर पूरे देश में हर्ष उल्लास का माहौल है और रामलला को लेकर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूरा देश भगवा में हो गया है। इसी बीच राजधानी दिल्ली के निर्माण विहार के एक स्टूडियो में चौहान संगीत मंच ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्काई हेल्पिंग एंड एनजीओ की डायरेक्टर एडवोकेट स्काई शर्मा और एडवोकेट शिल्पी सिंह रिपोर्टर को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक ने स्काई हेल्पिंग हैंड एनजीओ की डायरेक्टर एडवोकेट स्काई शर्मा और शिल्पी सिंह रिपोर्टर का फूलों का गुलदस्ता देकर, फूल माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर और शील्ड देकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में कई सिंगर मौजूद रहे, जिन्होंने श्रीराम पर कई भजन गाए और फिल्मी गाने भी सुनाए, जिसको लेकर पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। आपको बताते चले कि स्काई हेल्पिंग हैंड एनजीओ समाज में लगातार ग्राउंड पर काम करता है। गरीबों की मदद करने से लेकर समाज में और भी कई मुद्दों पर काम कर रहा है। इसी को लेकर आज चौहान संगीत मंच ने संस्था के लोगों को बुलाकर सम्मानित किया। वह स्काई हेल्पिंग हैंड एनजीओ की डायरेक्टर एडवोकेट स्काई शर्मा और शिल्पी सिंह रिपोर्टर कार्यक्रम की आयोजकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अच्छे कामों को लेकर चौहान संगीत मंच ने सम्मानित किया। इस सम्मान से हमें और भी काम करने की प्रेरणा मिलेगी और आगे जाकर हम समाज में और भी अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि 550 सालों के बाद हमारी प्रेरणा स्रोत श्री राम लला को उनका महल मिल रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है और इसी को लेकर पूरा देश भगवा में हो गया है और दिवाली मना रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई मंदिर का सपना देखते देखते, लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। हम बड़े खुशकिस्मत है कि मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी देख रहे हैं और मंदिर के दर्शन करने भी जा सकते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, लेकिन पहल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अगर उन्होंने पहल नहीं की होती तो आज हम मंदिर बनते नहीं देख पाते। मैं एडवोकेट स्काई शर्मा हूँ और जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा मैं, हमारी एक एनजीओ है स्काई हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट, मैं उसमें प्रेसिडेंट हूँ एंड शी इज माई वन ऑफ माई गुड फ्रेंड बिकॉज ऑफ हर आई एम हेयर। तो बड़ा अच्छा लगा। वैसे तो हम लोग एनजीओ की तरफ से जो प्रोग्राम्स करते हैं, फर्स्ट टाइम भी किसी म्यूजिक प्रोग्राम में हमें इन्वाइट किया गया है और फर्स्ट टाइम ही हम इसको अटेंड कर रहे हैं। बड़ा अच्छा फील आ रही है। थैंक यू वेरी मच। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।